Yeah, very good morning to everyone. Today we are going to learn how to represent a number, irrational number. Okay? हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करना है. ओके, सो द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर टूडे आर रिप्रेजेंटिंग एन इरेशनल नंबर. ओके, एक इरेशनल नंबर को, इरेशनल मतलब क्या होता है बच्चों? इरेशनल मतलब जो नंबर रैशनल नहीं है, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव. ओके, ये जो नंबर्स है दे आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, वो नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. सो ऐसे इरेशनल जो नंबर्स है, सो रिप्रेजेंटिंग एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ओके, सो कोई भी इरेशनल नंबर को अभी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट वी विल सी इन द लेक्चर. ऑल्सो आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. ओके, कौन से रिलेटेड सम्स आ सकते हैं एग्जाम में, दोज आर ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेक्चर. ओके, सो स्टार्ट इससे करते हैं. सो बच्चों, मैं वापस उन लोग को याद दिला देती हूँ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों, देखो व्हाट आर योर इरेशनल नंबर्स. अभी बच्चों, इरेशनल नंबर्स कौन से होता है पता है? जिनके रूट्स हमें पता नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसके. फॉर एग्जाम्पल, रूट टू, रूट थ्री, देन रूट फाइव. तुम याद करो अच्छे से और मुझे बताओ कि क्या रूट टू का आंसर तुम्हें पता है, कि टू किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं. अगर तुम इसका स्क्वायर रूट मेथड से रूट फाइंड आउट करोगे तो ये आंसर जो है कभी भी रुकेगा नहीं. ओके, ये आंसर चलते रहेगा. ओके, अभी इरेशनल नंबर का मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं बता देती हूँ. बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर्स मतलब कौन से नंबर? जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कभी रुकते नहीं है, जिनका डिवीजन चलते ही जाता है. सो द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग और वो रिकरिंग भी नहीं होते. रिकरिंग मतलब कोई एक स्पेशल ऐसा नंबर रिपीट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल 1.3333, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये रिकरिंग है. रिकरिंग मतलब 3333 रिपीट हो रहा है. बट इफ आई टेल यू, जैसे एग्जाम्पल है 1.20193, ऐसे कुछ चलते जा रहा है. इस नंबर में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. यू ऑल कैन सी इट मीन्स वॉट? एक तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से ये नंबर में कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन रिकरिंग है. सो ऐसे नंबर्स को कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर्स. सो अभी हमें बच्चों क्या देखना है, ऐसे इरेशनल नंबर्स मतलब रूट टू या रूट थ्री या रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ये प्रोसीजर को सब लोग याद रखेंगे. नाउ इन दिस प्रोसीजर वन थियोरम इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट इज पाइथागोरस थियोरम. ओके, वन रफ डायग्राम वी विल ड्रॉ फर्स्ट. चलो मैं एक रफ डायग्राम तो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ अभी. अभी ये जो बच्चों रफ डायग्राम है ना, अभी देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है सपोज. ओके, इन दैट ट्राइंगल आई एम हैविंग वन साइड. ओके, इस ट्राइंगल में मेरे पास एक साइड है. अभी ये जो साइड है ना, इस साइड का नाम है, कंसिडर कर लो ए बी. ओके, द नेम ऑफ द साइड इज ए बी कंसिडर एंड इट इज ऑफ वन यूनिट्स. ओके, कंसिडर दिस साइड इज ऑफ वन यूनिट्स. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अनदर साइड हियर, दिस इज ऑल्सो ऑफ वन यूनिट्स. ओके, सेम वन यूनिट ए बी एंड वन यूनिट ए सी, सपोज बोथ आर ऑफ ईच वन यूनिट्स. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी. ओके, सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी. What will be the value of BC we will be having? If I want to find it out, the value of BC, then I will be using which theorem? I will be using Pythagoras theorem. Okay? So let's start using the Pythagoras theorem here. See, how I am going to use it? See, in triangle, okay, what is the name of your triangle? It is ABC. Okay, you can write down CAB as well, BAC as well, anything. ABC, angle A is equals to 90 degree. You all can see it is equals to 90 degree.
इट मीन्स वॉट, इट मीन्स पाइथागोरस थियरम आई कैन अप्लाई. सो बाय विच थियरम? बाय पाइथागोरस थियरम. ओके, सो बाय पाइथागोरस थियरम हाइपोटेनस स्क्वेयर, हाइपोटेनस मीन्स 90 के सामने वाला, सो इट इज बी सी. सो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर. ओके, सो हाइपोटेनस का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वेयर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वेयर. नाउ बी सी आई डोंट नो, सो आई विल पुट इट एज इट इज. ए सी आई नो इट इज 1, ए बी ऑल्सो आई नो इट इज ऑल्सो 1. सो स्टूडेंट्स इफ वी विल सॉल्व इट ना, 1 स्क्वेयर इज 1, दिस 1 स्क्वेयर इज ऑल्सो 1, एंड बी सी स्क्वेयर एज वी डोंट नो आई विल राइट इट डाउन एज इट इज. नाउ 1 प्लस 1 वॉट वी विल गेट? 2 वी विल गेट फॉर बी सी स्क्वेयर. ओके, सो नाउ वॉट आई विल डू, आई डोंट वॉन्ट बी सी स्क्वेयर, आई वॉन्ट ओनली बी सी. मुझे क्या चाहिए? सिर्फ बी सी चाहिए. सो सिर्फ बी सी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द स्क्वेयर रूट. हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्वेयर रूट. बिकॉज स्टूडेंट्स जब भी हमें स्क्वेयर निकालना होता है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा स्क्वेयर रूट. सो टेकिंग स्क्वेयर रूट, ओके, ऑन बोथ द साइड्स. सो इफ आई टेक द स्क्वेयर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दिस इज माय सॉल्यूशन. ओके, सो स्क्वेयर रूट सपोज आई विल टेक ऑन बोथ द साइड्स, देन स्टूडेंट्स बी सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट विल बी बी सी एंड 2 का स्क्वेयर रूट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ 2. इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न दिस स्क्वेयर रूट ऑफ 2. सो ऐसे ही लिखेंगे इसको, स्क्वेयर रूट ऑफ 2. सो आई गॉट बी सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2. सो नाउ स्टूडेंट्स इफ एनी वन विल टेल यू, सपोज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्जाम, ओके, वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम? दैट represent root 2 on the number line. Okay, अगर root 2 number line पे represent करने आया, then ये जो मैंने लिखा है, these all things you are going to write down. Okay, now after this, how we are going to draw it? We have got root 2 now. ये root 2 मिल गया ना जो हमें represent करना है यहाँ पे. So students हमने किया क्या था? सी, सो रूट टू वी हैव गॉट, बी सी का वैल्यू इज रूट टू. सो ये जो प्रोसीजर है, ये जो मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, द सेम डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ इन फेयर. ओके, सो हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम इन फेयर? पे अटेंशन एवरीवन. ओके, सी, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ योर स्केल यू विल ड्रॉ वन लाइन. ओके, सो वन लाइन आई विल ड्रॉ हियर. So this line I have drawn here. Now after drawing the line, you will just with the help of scale, you will take one point over here. Anywhere you can take it. Okay, so here I am starting. Why? Because now I have to draw all positive numbers. मुझे सब positive numbers draw करने. So because of that, root 2 is positive. So because of that, what I will do? Zero मैं यहाँ पे लूँगी. बीच में लेने का कोई जीरो यूज नहीं है. वाई? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो हमें दिखाने नहीं है, हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स दिखाने. सो जीरो आई विल टेक हियर, और सब पेंसिल से ही करना है. ओके, सो जीरो आई टुक हियर. आफ्टर टेकिंग जीरो हियर, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज, क्या करना है ना बच्चों, 1 सेंटीमीटर एक्चुअली डिस्टेंस लेना है, बिकॉज ये 1 है, बट ये 1 बहुत छोटा है. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करते हैं ना, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, बट इसको 2 सेंटीमीटर लेके हम लोग इसको कंसिडर 1 ही करेंगे. ओके, इसको लेंगे 2 बट कंसिडर क्या करेंगे? 1. मैंने 2 क्यों लिया है? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल, डायग्राम एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा. ओके, सो व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स, यहां पे जो डिस्टेंस लिया है सेम डिस्टेंस, ओके, 2 सेंटीमीटर लिया था, बट उसको कंसिडर क्या करने का है? 1, क्योंकि डायग्राम छोटा ना हो इसके लिए. ओके, अभी आगे का क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं ए. एनीथिंग यू कैन गिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो, ओके, अभी आगे, इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव द सेम नेम्स एज आई हैव गिवन अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल दिस आई हैव कंसिडर्ड एज ए, सो हियर यू टेक एज ए, हियर यू कंसिडर दिस एज बी. ओके, इन दिस मैनर ऑल्सो यू कैन डू. नाउ वॉट यू विल डू स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये स्टेप कोई भी स्किप नहीं करेगा.
What you will do, you will place your set square here. देखो मैंने कैसे place किया है set square. In the same manner, you will place your set square here and you will draw a line. Okay, like this. And just draw an arrow. So here we have drawn with the help of set square, we have drawn 90 degree angle. Now students, जो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, so what we will do, यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस लिया था 2 सेंटीमीटर का, सेम डिस्टेंस आई विल टेक हियर एज वेल. ओके, देख रहे हो, सेम डिस्टेंस यहाँ पे जितना लिया है वहां पे इतना डिस्टेंस लेंगे 1. एंड नेम इट एज सी. क्या नाम दिया हम लोग ने इसका? सी. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन दिस. हम लोग इसको क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. ओके, सो विद द डॉटेड लाइन यू विल ज्वाइन इट. सो आई हैव जस्ट ज्वाइंट इट विद द डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने के बाद व्हाट वी विल डू, सी, पे अटेंशन एवरीवन, व्हाट वी विल डू, वी विल मेजर दिस डिस्टेंस. ओके, सी, आई हैव मेजर दिस डिस्टेंस. मेजर किया डिस्टेंस, अभी क्या करना है, इसको उठाना है. यू हैव टू प्लेस इट ऑन ए. क्या पे प्लेस करना है? ए पे प्लेस करना है. विल प्लेस इट ऑन ए और ए से प्लेस करके ऐसे इस तरीके से यू हैव टू मेक वन आर्क. ओके, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच योर रूट टू इज गोइंग टू कम. तो ये जो है जगह, यहाँ पे कौन आएगा? रूट टू. बिकॉज हमने ये जो मेजर किया था ये रूट टू का था, राइट? बी सी इज ऑफ वॉट? बी सी इज ऑफ रूट टू. बी सी कितने सेंटीमीटर का है? ये रूट टू सेंटीमीटर का है. सो इट मीन्स ये रूट टू है. सो इतना मेजर करके हमने जो आर्क यहाँ पे बनाया तो ये डिस्टेंस भी कितना सेंटीमीटर का आएगा? रूट टू. सो इन दिस मैनर आई हैव ड्रॉन विच इरेशनल नंबर ऑन द लाइन रूट टू. आई हैव ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन. सो दिस इज योर रूट टू. सो इन दिस मैनर यू विल ड्रॉ योर इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो मेक श्योर, मैं रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज ये वीडियो है, सो यू कैन रिपीट इट इफ यू वॉन्ट. सो ये मैंने दिया है ये प्रोसीजर, प्रॉपरली यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे बिकॉज दिस सम कैन कम इन द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ओके, सो यू विल फॉलो दिस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स योर रिविजन. रिविजन में ज्यादा कुछ नहीं है. वॉट वी विल डू, सेट चैप्टर. ओके, योर चैप्टर, सेट चैप्टर that I am going to revise. Okay students, so suppose students we are having one set. Okay, suppose we are having one set A with us, and in that set consider x is your element, and x is what? X is a letter of the word. X kya hai? To ek letter hai. Kis word ka letter hai? Mathematics ka letter hai. Is a letter of the word mathematics. Suppose anyone has told you ki write set A in roster form or roster method. Okay, how you are going to write it down? Because ये set builder में है, rule method में है, हमें इसको roster method में लिखना है students. So this is your question and answer here I am writing. Okay, simple answer. You will write down the name of the set first. Then you will write down why it is what? It is a letter. Letter मतलब A, B, C, D. ऐसा एक letter है. कौन से वर्ड का लेटर है? मैथमेटिक्स. सो द लेटर आज हियर द लेटर्स विच आर प्रेजेंट आर एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई कॉमा एम. यू विल नॉट राइट डाउन अगेन. व्हाई? बिकॉज एम हैज एम वी हैव रिटन एम हम लोग ने पहले ही लिखा है. सो जो नंबर एक बार लिखा है उसको वापस नहीं लिखते हैं इन रोस्टर मेथड. सो एम आई हैव रिटन अर्लियर सो दैट आई विल नॉट राइट डाउन. ए ऑल्सो हैव रिटन अर्लियर सो दैट ऑल्सो आई विल नॉट राइट डाउन. टी भी मैंने पहले लिखा हुआ है सो नहीं लिखूंगी मैं वापस से उसको. आई मैं लिखूंगी. व्हाई? बिकॉज आई मैंने पहले नहीं लिखा है. देन सी ऑल्सो आई विल राइट डाउन एंड एस ऑल्सो आई विल राइट डाउन.
सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि राइट सेट ए इन द रोस्टर मेथड. ओके, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, ऐसे तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. नाउ अगेन द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जाम इज दे विल गिव यू सम सेट. फॉर एग्जाम्पल सेट बी दे विल गिव यू. ओके, दे विल राइट डाउन लाइक इट इज 2, 4 एंड सो ऑन टिल 10. ओके, दे हैव स्टॉप टिल 10 एंड दे विल आस्क यू वॉट काइंड ऑफ और वॉट टाइप ऑफ सेट इज सेट बी. सेट ए, ये जो सेट बी है वो कौन से तरीके का सेट है. सो स्टूडेंट्स रिमाइंड, चलो लेट्स रिकॉल, ये जो सेट होते हैं वो चार तरीके के होते हैं एक्चुअली. देर इज अ सिंगल टन सेट. ओके, कौन सा सेट होता है, सिंगल टन सेट. ओके, मैं यहां पे लिखती हूं इफ यू वॉन्ट. देर आर टाइप्स ऑफ सेट्स, कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं. टाइप्स ऑफ सेट्स आर, फर्स्ट होता है सिंगल टन सेट. सिंगल टन मीन्स वॉट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट इन इट, जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट होता है. ओके, देन देर इज अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट मीन्स वॉट, फाइनाइट सेट मीन्स वॉट, द काउंटेबल एलिमेंट्स आर देर. काउंटेबल मीन्स यू द एलिमेंट्स यू कैन काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, फाइनाइट सेट. ओके, काउंटेबल एलिमेंट्स आर देर इन द सेट. देन देर इज अ इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट मीन्स वॉट, इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, जिनको तुम काउंट नहीं कर सकते. सो देर आर इनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आर देर इन योर सेट, देन दैट सेट इज योर इनफाइनाइट सेट. ओके, सो अभी स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है कि ये तीन में से ये जो सेट है वो कौन से टाइप का सेट है. सो चलो देखते हैं. और एक होता है एम्प्टी, एम्प्टी सेट भी होता है, या नल सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं. इसमें नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब कोई भी नहीं होता इसके अंदर, कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, खाली है ये. सो दैट इज योर एम्प्टी सेट. सो अभी हम लोग देखते हैं ये चार में से ये कौन से तरीके का है. सो इफ यू विल थिंक हियर द एलिमेंट्स 2, 4 एंड इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स एंड 10 इज द लास्ट एलिमेंट, इट मीन्स वॉट, यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट है. सो सिंगल टन तो ये नहीं है. वाई, बिकॉज मोर देन वन एलिमेंट्स आर देयर. देन यहाँ पे एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है, मतलब कुछ तो है, देन इट इज नॉट ए नल सेट. तो नल सेट भी नहीं है, तो ये दोनों तो गए. देन इनफाइनाइट और फाइनाइट में से ये फाइनाइट हो सकता है. वाई, बिकॉज स्टूडेंट्स हियर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्टार्टिंग यू नो, एंडिंग ऑल्सो यू नो, इट मीन्स वी कैन काउंट द एलिमेंट्स, हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं. सो इट मीन्स वॉट, दिस इज फाइनाइट. इनफाइनाइट क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रुक गया है ये सेट. इनफाइनाइट कौन होता है, जो कंटिन्यू चलते रहता है. ओके, सो दैट इज योर फाइनाइट सेट. सो हियर आई विल राइट डाउन दैट सेट बी हैज काउंटेबल एलिमेंट्स इन इट. ओके, व्हाट आई विल राइट डाउन, हैज सेट बी हैज काउंटेबल एलिमेंट्स इन इट. ओके, देयरफॉर सेट बी इज फाइनाइट सेट. ओके, सो सेट बी कौन सा सेट है, सो सेट बी इज अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट मीन्स द सेट विच हैज काउंटेबल एलिमेंट्स. काउंटेबल मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी कैन काउंट. ओके, सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी कमिंग इन योर एग्जाम. ओके, दे विल टेल यू टू राइट डाउन द, सपोज कंसिडर ए इज सेट ऑफ इवन नंबर्स. ए इज वॉट, सेट ऑफ इवन नंबर्स. ए क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है. ओके, सो बच्चों सेट ऑफ इवन नंबर्स वी कैन राइट डाउन लाइक इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8. जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर्स को इवन नंबर बोलते हैं. सो देर आर मैनी नंबर्स आर देर विच आर इवन, मतलब अनकाउंटेबल बहुत सारे नंबर्स है जो इवन नंबर्स है. ओके, सो सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये मैंने सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखा है, विच विल बी एन ऑनगोइंग कंटिन्यूअस लिस्ट, ये रुकेगा नहीं कहीं पे.
यही तो ये आंसर है इसका. अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. क्या क्वेश्चन आ सकता है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स तुम्हें बता देती हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं. ओके, चलो मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ. आंसर से पहले मैं यहाँ पर रफ काम करती हूँ, यहाँ पे रफ वर्क आई विल डू. ओके, दिस इज माई रफ वर्क, हाँ दिस यू डोंट हैव टू राइट डाउन. ओके, सबसे पहले मैं बता देती तुम लोग को इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स मतलब क्या? तो जिनमें जीरो आता है, माइनस वन, माइनस टू एंड सो ऑन, सब नेगेटिव आते हैं, फिर सब पॉजिटिव्स भी आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स. बट स्टूडेंट्स व्हाट वी वांट हियर इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव मतलब सिर्फ ये पार्ट हमें चाहिए. कौन सा पार्ट? सो इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स लेने. सो मतलब माइनस वन वी हैव टू टेक, माइनस टू, माइनस थ्री, सो ऑन. एंडिंग वी डोंट नो बिकॉज उन्होंने एंडिंग नहीं बताया. सो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सो ऑन, इट कैन कम. ओके, सो आई गेस आई हैव डन विद द ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रिविजन अपना हो गया है. ऑफ विच लेसन? ऑफ द लेसन सिक्स. ओके, नाउ मैं और एक तुम्हें बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दैट इज योर वेन डायग्राम. ओके, सो लेट्स लर्न टू राइट डाउन योर वेन डायग्राम. कैसे वेन डायग्राम जो है वो कैसे लिखना है. ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन क्या है ना कि तुम्हारे पास एक यूनिवर्सल सेट है. ओके, व्हाट वी हैव इज वी आर हैविंग द यूनिवर्सल सेट. स्टूडेंट्स रिमेंबर, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ यू, कैपिटल यू से दिखाते हैं. तो इसमें ना सारे नंबर्स है 1 to 20. ओके, हियर ऑल द नंबर्स आर देयर, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. सो यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, till 20 numbers are there. Okay, now we are having one more set with us, that is set X. और set X जो है ना, इसमें एक element है X, और ये जो X है ना वो क्या है? तो X is a natural number. X क्या है? एक natural number है, consider करो. और ये जो x है ना वो बड़ा है 7 से और ये छोटा है 15 से. कंसिडर दैट x इज योर सेट, एंड x सेट में जो एलिमेंट्स है ना वो कैसे है? वो सारे नेचुरल नंबर्स है, एंड x इज ग्रेटर देन 7. x 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है. सो दिस आई हैव रिटन. तो बच्चों तुम क्या करोगे ना, सबसे और एक y सेट भी है. y सेट में y इज योर एलिमेंट, एंड y इज वॉट? y इज अ प्राइम नंबर. कंसिडर y इज वॉट? y इज अ प्राइम नंबर. ओके, बिटवीन 1 to 20. y कौन है? तो y एक प्राइम नंबर है बिटवीन 1 to 20. सो अगर तुम्हें बोला है ड्रॉ वेन डायग्राम, ओके क्वेश्चन है ड्रॉ वेन डायग्राम, सो इसका आंसर लिखते टाइम व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स, फर्स्ट U तो हमारे पास जो है वो लिस्टिंग मेथड में है, मतलब रोस्टर फॉर्म में है, बट X और Y हमारे पास रोस्टर फॉर्म में नहीं है. तुम लोग सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो हियर U आई एम राइटिंग एज इट इज, जैसे मेरे को दिया है ना द सेम वे आई विल राइट डाउन. ओके, U आई एम कॉपिंग डाउन एज इट इज, जैसा है वैसा मैं कॉपी कर रही हूँ, नथिंग एल्स आई एम डूइंग. So this is your U set, universal set. Now set X. See, X set is a natural number. तो natural number 1 से start होते हैं. Okay, 1 से they start. But यहाँ पे अपने को X जो है वो 7 से बड़ा चाहिए. 7 से बड़ा कौन होता है? 8. Okay? और 15 से छोटा कौन होता है? 14. So, इसके बीच के numbers. 9, 10, 11, 12 एंड 13. वापस बताती हूँ, x जो है वो नेचुरल नंबर है, वो x जो है दैट इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 इज 8,
एंड स्मॉलर देन 15 इज 14. सो इसके बीच के सब, समझ में आ गया? ग्रेटर देन 7 मतलब 8, 7 से तो 9 भी बड़ा है, 10 बड़ा है, सो ऑन यू विल राइट डाउन. देन एक्स के बाद वी विल राइट डाउन वाई ऑल्सो इन द रोस्टर फॉर्म. ये सब रोस्टर में लिखना जरूरी है. अभी हमें प्राइम नंबर्स लिखने. प्राइम नंबर्स मीन्स द नंबर्स विच आर ऑलवेज डिविजिबल बाय देमसेल्व्स. जो नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं, खाली खुद से डिवाइड होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और को प्राइम भी नहीं है. ठीक है, सो 1 को निकाल दो वहां से. ये तुमने 8 स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया है. 2, फिर बाद में 3, फिर 5, ठीक है, देन देर इज 7. 9 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है. सो 9 विल नॉट कम. ठीक है, 10 भी नहीं आएगा. 11 विल कम. 13, ये सारे नंबर्स खुद के ही टेबल में है, दे आर इन द टेबल ऑफ देमसेल्व्स और किसी के टेबल में नहीं है. देन 17 विल कम, बिकॉज 15 जो है ना, 15 3 के टेबल में है, 5 के टेबल में, सो वो यहाँ पे नहीं आएगा प्राइम नंबर्स में. एंड लास्ट वन इज 19, 20 तक ही चाहिए. सो 19, 20 आता है बहुत सारे टेबल्स में, सो 20 यहाँ पे नहीं आएगा. सो आफ्टर राइटिंग दिस यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग योर वेन डायग्राम. सिंपल है वेन डायग्राम ड्रॉ करना स्टूडेंट्स. वॉट यू विल डू, मैं पहले एक्स का वेन डायग्राम निकाल दूँ फिर वाई. ओके, यू विल डू वॉट, यहाँ पे वन रेक्टेंगल वी विल ड्रॉ फर्स्ट. अभी ये रेक्टेंगल क्या है स्टूडेंट्स? सो ये जो रेक्टेंगल है ना, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है. ओके, दिस रेक्टेंगल इज वॉट, दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट योर यूनिवर्सल सेट. सो दिस रेक्टेंगल आई विल ड्रॉ हियर फर्स्ट, एंड दिस रेक्टेंगल इज माई यूनिवर्सल सेट. योर डायग्राम शुड बी ड्रॉन विद द पेंसिल. इफ यू आर राइट गोइंग टू राइट इट डाउन और गोइंग टू ड्रॉ इट विद द पेन, मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगी. ओके, सो दिस यूनिवर्सल सेट आई हैव ड्रॉन. नाउ एक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे. एक्स के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ करो या एक सर्कल ड्रॉ करो, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ. सो वन सर्कल आई हैव टेकन, एंड दैट इज वॉट दिस इज योर एक्स सेट. एक्स, अभी एक्स के अंदर क्या है बच्चों? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13 एंड 14. सो दैट यू विल राइट डाउन. ओके, बट अभी तक मेरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ. वाई? बिकॉज इन माई यूनिवर्सल सेट दीज आर ऑल एलिमेंट्स आर देयर. मेरी यूनिवर्सल सेट में ये सभी है, तो ये सब मैंने लिखे है क्या फिलहाल अभी यहाँ पे? नहीं, तो मेरे को लिखने पड़ेंगे. ओके, तो मैं कहाँ पे लिखूँ ये? तो देखो, 1 यहाँ पे आएगा. 2 लिखा है क्या? नहीं, तो 2, 3 कहीं पे भी लिखो. 4, 5, 6, 7, 8 आई विल नॉट राइट डाउन नाउ. वाई? बिकॉज 8 मैंने लिख दिया है अंदर एक्स के. वो एक्स के अंदर है मतलब वो यू के भी अंदर है, बिकॉज तुम देख सकते हो यू के अंदर एक्स है. सो ये जो 8 है वो एक्स के भी अंदर है और वो यू के भी अंदर है. सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हम लोग नहीं लिखेंगे अभी. ये ना नहीं लिखना है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अभी कहाँ तक लिखना है? फिर वापस बचा कौन? 15, देन 16, 17, 18, 19, 20. इसे सब भी लिखना है. अभी तुम चेक करो क्या तुम्हारे यूनिवर्सल सेट में 1 to 20 नंबर्स है. सो चेक करते हैं, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, then 16 is there, 17 is there, 18, 19, 20. तो यूनिवर्सल सेट में सब है बराबर, बिकॉज ये भी यूनिवर्सल सेट में आता है. और एक्स में क्या आना चाहिए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. इन द सिमिलर मैनर यू विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर वाई. ओके, सो वाई के लिए भी कर सकते हैं डायग्राम का. सी स्टूडेंट्स, वाई के लिए कैसे करेंगे? सो वाई के लिए भी सेम करना है. फर्स्ट यू विल ड्रॉ वन रेक्टेंगल. ओके, सो आई विल ड्रॉ द रेक्टेंगल हियर फर्स्ट. यूनिवर्सल सेट, इन दैट वन सर्कल आई विल ड्रॉ. एक चलो सर्कल ड्रॉ करते. और ये सर्कल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई. सो वाई में जो है ना वो पहला लिखो. क्या है वाई में? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19 are there. ओके, अभी यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा जो भी बचा है दैट वी विल राइट डाउन.
सो इनके अलावा कौन बचा यूनिवर्सल सेट में? यूनिवर्सल सेट में बचा वन, ओके, टू मैंने लिखा है, थ्री भी मैंने लिखा है, फोर बच गया, देन फाइव आई हैव रिटन, सिक्स नहीं लिखा तो सिक्स लिखेंगे, सेवन आई हैव रिटन, एट आई हैव नॉट रिटन, नाइन आई हैव रिटन नो, सो नाइन, टेन, इलेवन आई हैव रिटन हियर, ट्वेल्व, थर्टीन लिखा है, फोर्टीन आएगा, फिफ्टीन भी आएगा, सिक्सटीन भी आएगा, सेवनटीन आई हैव रिटन हियर, एटीन आएगा, नाइनटीन लिख दिया है और यहाँ पे ट्वेंटी आएगा. सो दीज आर योर वेन डायग्राम्स ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई का वेन डायग्राम है. ओके, सो इफ यू आर ड्रॉइंग इट इन द सेम मैनर, फुल मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट. ओके, एंड वी हैव डन विद द रिविजन. हमारे एग्जाम में पोर्शन जो आएगा मैं कल दे दूंगी ग्रुप में कौन सा पोर्शन आएगा, बट स्टिल हियर ऑल्सो आई एम राइटिंग वट इज द पोर्शन फॉर योर यूनिट टेस्ट. योर यूनिट टेस्ट पोर्शन इज फर्स्ट लेसन सेट, कंप्लीट लेसन इज देयर. ओके, कंप्लीट लेसन इज देयर, फुल लेसन इज देयर, एंड सेकेंड रियल नंबर्स. इन रियल नंबर्स, इन रियल नंबर्स ओनली रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन. ये वाला पार्ट आएगा जो मैंने आज स्टार्टिंग में पढ़ाया वो, एंड इफ पॉसिबल तुम लोगों को डिवीजन जो मैंने पढ़ाए थे डेसिमल से फ्रैक्शन में डालने का, फ्रैक्शन से डेसिमल में डालने का, दैट ऑल्सो यू डू. ओके, बट पोर्शन इतना ही है. ओके, थैंक यू सो मच.